Dear students, welcome back to my lecture series on this YouTube channel English Mania. Feed the mind, feel the English. If you haven't subscribed the channel, please subscribe it now. So today's video lecture is about marking scheme for important questions that will be there for Maharashtra State Board examination of English subject. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कुछ कंपलसरी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 12th इंग्लिश के पेपर में आएंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो कंपलसरी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएंगे उसमें आप स्कोर कैसे करें, उसमें आप मार्क्स को गेन कैसे करें, किस प्रकार की मार्किंग स्कीम होती है कंपलसरी क्वेश्चंस में, ये अगर आपको पहले से पता हो तो आप और अच्छी तरह से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम कंपलसरी क्वेश्चंस में राइटिंग स्किल के सेक्शन को लेते हैं क्योंकि ये कंपलसरी सेक्शन है जो कि 16 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, और बोर्ड एग्जामिनेशन में ये सेक्शन क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाएगा जिसमें ए बी सी एंड डी करके क्वेश्चन रहेंगे, यानी चार क्वेश्चन रहेंगे। आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 4 के ए में आपको बोला गया है कि ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, एसओपी और ग्रुप डिस्कशन। एसओपी मींस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये तीनों आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 4 के ए में आएंगे। इसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है तो बेहतर ये है कि आप अभी से ही वो एक क्वेश्चन जिसको आप अच्छी तरह से कर सकते हो उसको आप प्रिपेयर करके रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के बी में ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू पूछा जाएगा। इन तीनों में से जो भी आपको अच्छे से आता है वो अभी ही आप प्रिपेयर करके रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के सी में स्पीच राइटिंग, आर्ट ऑफ कंपेयरिंग और एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ पूछा जाएगा 4 मार्क्स के लिए। ये तीनों भी आपको एग्जामिनेशन में आएंगे, तीनों ही ऑप्शंस में होंगे। ये तीन में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। और डी में आएगा रिव्यू राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग और अपील राइटिंग। तो इनमें से जो भी आपको अच्छे से आता है वो आप अभी ही प्रिपेयर करके रख लीजिए। तो ध्यान रखिए, आपको ए बी सी डी में से जो भी अच्छी तरह से आता है वो आप अभी ही प्रिपेयर करके रख लीजिए। और ये सारे क्वेश्चंस जो है वो 4 मार्क्स ईच रहेंगे, तो टोटल हो गए 16 मार्क्स। तो अब हम देखते हैं कि इसके अलावा जो कंपलसरी क्वेश्चंस है वो 3 क्वेश्चन है। एक है समरी राइटिंग का क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स के लिए आएगा, दूसरा है माइंड मैपिंग का क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स के लिए आएगा, और तीसरा है अप्रिसिएशन आपको कोई पोएम का पूछा जाएगा जो कि 4 मार्क्स के लिए आएगा। इसकी भी मार्किंग स्कीम आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का ए, जिसमें ये तीनों भी आपको आएंगे ऑप्शंस में। तो इसकी मार्किंग स्कीम किस प्रकार से होंगी, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, ये तीनों ही जो है वो 4 मार्क्स के रहेंगे। देखिए, या तो आप ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज करिए, या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करिए, या फिर ग्रुप डिस्कशन करिए। तीनों में से जो भी आपको अच्छी तरह से आता है वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज जो 4 मार्क्स के लिए आएगा उसमें कंटेंट पे आपको 2 मार्क्स रहेंगे। सीक्वेंस और फ्लो ऑफ आइडियाज़ विल गिव यू 1 मार्क एंड अप्रोप्रिएटनेस, दैट इज लैंग्वेज यूसेज, विल प्रोवाइड यू 1 मार्क्स। तो इस प्रकार से 4 मार्क्स है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में जो कंटेंट आप लिखोगे उस पर 2 मार्क्स हैं, और अगेन सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ आइडिया पे 1 मार्क है, और अप्रोप्रिएटनेस पे 1 मार्क है, यानी लैंग्वेज आप कितनी अच्छी यूज़ कर रहे हो। फिर यही क्वेश्चन के ऑप्शन में जो 3rd ऑप्शन है वो है ग्रुप डिस्कशन का। इस पर भी कंटेंट पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ आइडियाज़ पे 1 मार्क एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ लैंग्वेज विल गिव यू 1 मार्क। तो इस प्रकार से 4 मार्क्स जो है वो डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 4 के बी में आपको ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू पूछा जाएगा, जिसमें से ईमेल राइटिंग में कंटेंट पे आपको 2 मार्क है, यूज़ ऑफ प्रॉपर फॉर्मेट पे 1 मार्क है, ओवरऑल प्रेजेंटेशन पे 1 मार्क है। देखिए, ईमेल लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो कि मैंने इसके पहले भी अपने एक वीडियो लेक्चर में बताया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने बताया है कि ईमेल राइटिंग कैसे लिखी जाए और उसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है। रिपोर्ट राइटिंग में कंटेंट पे 2 मार्क्स है, एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज पे 1 मार्क है, और अप्रोप्रिएटनेस पे 1 मार्क है।
इसी के ऑप्शन में इंटरव्यू क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें एप्रोप्रिएट फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस पे 2 मार्क्स है, लैंग्वेज एंड स्टाइल पे 1 मार्क है एंड ओवरऑल इंप्रेशन पे 1 मार्क है। इंटरव्यू पे भी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या चैनल पे जाके आप सारी राइटिंग स्किल्स को देख सकते हो। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है उसका सी। उसमें आपको रहेगा स्पीच राइटिंग, उसके ऑप्शन में रहेगा आर्ट ऑफ कंपेयरिंग और उसके ऑप्शन में रहेगा एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़। स्पीच राइटिंग जो 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा उसमें आपको लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ पे 2 मार्क्स मिलेंगे, इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूजन पे 1-1 मार्क मिलेंगे। यानी आप एक प्रॉपर बिगनिंग और प्रॉपर एंडिंग अगर करते हो तो 1-1 मार्क्स ईच आपको उस पर मिलेंगे। और जो बीच का कंटेंट रहेगा, जो बॉडी ऑफ स्पीच रहेगा, उसमें लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ पे आपको 2 मार्क्स हैं। अब आते हैं हम आर्ट ऑफ कंपेयरिंग पे। आर्ट ऑफ कंपेयरिंग पे भी वीडियो लेक्चर आप देख सकते हो। कनेक्टिंग इवेंट्स पे 2 मार्क्स हैं, इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन पे 1 मार्क है और समिंग अप का मतलब होता है कॉन्क्लूजन, उस पे भी आपको 1 मार्क मिलेगा। तो अगेन प्रॉपर बिगनिंग और प्रॉपर एंडिंग पे आपको 1-1 मार्क्स मिलेगा। अब आते हैं थर्ड पे, दैट इज़ एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़। इस पे भी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है इस चैनल पे, आप देख सकते हो। एक्सपांशन ऑफ आइडिया पे 2 मार्क मिलेंगे, प्रॉपर इंट्रोडक्शन पे 1 मार्क और कॉन्क्लूजन पे 1 मार्क मिलेगा। तो देखिए स्पीच कंपेयरिंग और एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ में से जो भी आपको अच्छे से आता है, जो भी आप अच्छे से बोर्ड एग्जामिनेशन में कर सकते हो, वही क्वेश्चन को आप अभी प्रिपेयर करें। उसके बाद में आता है ब्लॉग राइटिंग। ब्लॉग राइटिंग में आपको 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसमें मेन कंटेंट पे 2 मार्क्स रहेंगे, हेडर मेन्यू नेविगेशन बार पे 1 मार्क रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेट फॉर ब्लॉग राइटिंग, और फूटर पे आपको 1 मार्क रहेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक देख सकते हो कि ब्लॉग राइटिंग आप कैसे लिखें। उसके बाद में फिल्म रिव्यू आता है जो कि उसके ब्लॉग राइटिंग के ऑप्शन में रहेगा। 4 मार्क्स के लिए ये भी पूछा जाएगा। फिल्म रिव्यू के जो मार्क्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ द थीम और स्टोरी लाइन पे 2 मार्क्स रहेंगे, टेक्निकल एस्पेक्ट्स और नॉवेल एस्पेक्ट्स मीन्स न्यू एस्पेक्ट्स, उस पर आपको 1 मार्क रहेगा और ओवरऑल प्रेजेंटेशन पर आपको 1 मार्क मिलेगा। इस प्रकार से ये 4 मार्क्स है। तो ब्लॉग राइटिंग और फिल्म रिव्यू में से जो भी आपको अच्छे से आता है वो आप कर सकते हो। तो ये हो गया सारा कुछ जो अभी हमने देखा। और एक रह गया है अपील राइटिंग। तो अपील राइटिंग भी कुछ इस प्रकार से ही उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मेन कंटेंट और इंट्रोडक्शन एंड कॉन्क्लूजन पे आपको मार्क्स मिलेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के भी आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ये रहेगा समरी ऑफ द अनसीन पैसेज। एक आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे और फिर उसमें क्वेश्चन नंबर 2 के बी में आपको पूछा जाएगा कि उस अनसीन पैसेज की समरी आपको लिखना है। ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स के लिए आपको आएगा। तो आप इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखिए कि आपको किस प्रकार से उस अनसीन पैसेज की समरी लिखना है। अगेन मैं यही बोलूंगी आपको कि समरी राइटिंग किस प्रकार से लिखे उसका भी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, आप इस चैनल पे जाके देख सकते हो। कवरिंग ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको 1 मार्क देगा। जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ पर्टिकुलर 5-6 पॉइंट्स दिए जाएंगे उस क्वेश्चन में हिंट के तौर पे। आप अगर वो सारे पॉइंट्स अपने आंसर में यूज़ करते हो तो दैट विल गिव यू 1 मार्क। लैंग्वेज एंड वोकेबलरी अगर आप अच्छी यूज़ करते हो दैट विल गिव यू 1 मार्क एंड ग्रामर उस पर आपको 1 मार्क मिलेगा। इस प्रकार से ये 3 मार्क्स है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं समरी राइटिंग में बताते चलूँ, यहाँ पे दिया तो नहीं है लेकिन आपको समरी राइटिंग लिखते समय हमेशा हमेशा और हमेशा टाइटल देना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी समरी आप लिख रहे हो उसका आप हमेशा एक टाइटल दे दीजिए। अगर भले ही आपकी समरी अगर गलत हुई लेकिन टाइटल अगर सूटेबल हुआ तो यू कैन गेन 0.5 मार्क्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो कि है नोट मेकिंग और माइंड मैपिंग। ये कंपलसरी क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के सी में आपको पूछा जाएगा। ये आएगा आपको 3 मार्क्स के लिए। इसमें देखिए आपको कवरिंग ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एज पर इंस्ट्रक्शन। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ पॉइंट्स उसमें दिए जाएंगे, अगर आप वो सारे पॉइंट्स अपने आंसर में यूज़ करते हो तो दैट विल गिव यू 2 मार्क्स और ओवरऑल प्रेजेंटेशन विल गिव यू 1 मार्क। इस प्रकार से ये 3 मार्क्स जो है वो डिवाइड किए गए हैं।
सारी क्वेश्चन आता है अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, जो कि आपको 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये आएगा आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 3 के B में। क्वेश्चन नंबर 3 का A जो है वो भी पोएम का ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 का B जो रहेगा वो अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम रहेगा। इसमें आपको जो पोएम प्रिस्क्राइब्ड है उसमें से कोई भी एक पोएम की 8 से 10 लाइन दी जाएंगी और आपको बोला जाएगा कि आप इसका अप्रिसिएशन लिखिए। इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए आपको जितनी भी पोएम्स आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है उतनी पोएम्स का क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। तो जो 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से हैं कि एप्रोप्रिएटनेस ऑफ थीम एंड लैंग्वेज फीचर्स विल गिव यू 2 मार्क्स, एक्सप्लेनेशन एंड प्रेजेंटेशन विल गिव यू 1 मार्क, पर्सनल ओपिनियन एंड इवेल्युएशन विल गिव यू 1 मार्क। तो इस प्रकार से 4 मार्क्स जो है वो आपको मिलेंगे। So thank you so much for watching this video. You can follow us on Facebook. I am providing you the link of our Facebook page in the description box of this video. Keep learning. Please subscribe this channel. English Mania, feed the mind, feel the English. Thank you so much.